नमस्कार जनप्रभा सुपर फास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। डीआरडीओ द्वारा विकसित 2DG दवा की मिली पहली खेप। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया लंच। नारदा स्टिंग मामले में ममता के मंत्री फिरहाद हकीम पर कसा शिकंजा। फिरहाद हकीम को पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई CBI। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी का आरोपी नवनीत काला गिरफ्तार। दिल्ली के खान मार्केट स्थित खान चाचा रेस्तरां का है मालिक। गुजरात की ओर तेजी से बढ़ रहा है चक्रवाती तूफान ताउते। प्रभावित इलाकों में अब तक 8 लोगों की जा चुकी है जान। चक्रवात ताउते को लेकर मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। का 18 मई की सुबह तक 70 से बढ़कर 175 किलोमीटर होगी रफ्तार। ताउते को लेकर अमित शाह ने की गोवा के मुख्यमंत्री से बात। चक्रवात से निपटने की तैयारियों का लिया जायजा। पीयूष गोयल ने ताउते को देखते हुए उद्योग जगत के साथ की बैठक। बोले तूफान से निपटने के बाद दवा उद्योग सबसे पहले शुरू करेगा काम। राजधानी दिल्ली में भी दिखेगा चक्रवाती तूफान ताउते का असर। 3 दिन हवा की रफ्तार रहेगी तेज। बारिश की भी संभावना। ताउते को लेकर आज मुंबई समेत महाराष्ट्र में कोविड टीकाकरण केंद्र बंद। अब मंगलवार बुधवार और गुरुवार से शुरू किया जाएगा अभियान। वैज्ञानिक शाहिद जमील का कोविड टास्क फोर्स के अध्यक्ष पद से इस्तीफा। केंद्र सरकार से मतभेद होने के लगाए जा रहे हैं कयास। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किए दिशा निर्देश। कहा बच्चे को सांस की दिक्कत नहीं तो घर पर इलाज संभव। देश में चल रहे वैक्सीनेशन पर केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला। कहा कोविशील्ड की दूसरी डोज के लिए पुराना अपॉइंटमेंट मान। भारत में 25 दिन के बाद कोरोना संक्रमण के मामले सबसे कम, लेकिन जान गंवाने वालों की संख्या में नहीं आ रही है कमी। देश में बीते 24 घंटे में संक्रमण के 281,000 नए मामले आए सामने, जबकि महामारी के चपेट में आने से 4,092 लोगों की गई जान। देश में संक्रमितों का कुल आंकड़ा 2,49,00,000 के पार, जबकि अभी तक 2,74,000 लोगों की जा चुकी है जान। इलाज करा रहे कुल मरीजों की संख्या 35,12,000 के पार। अब तक 2,11,00,000 लोग ठीक होकर जा चुके हैं घर। नदियों में शव मिलने के बाद केंद्र ने यूपी बिहार सरकार को दिया निर्देश। कहा गंगा में शवों पर लगाएं रोक, सुरक्षित तरीके से कराएं दाह संस्कार। कोरोना की जंग में उतरे सेना के RVC के डॉक्टर और स्टाफ। दिल्ली लखनऊ पटना जैसे कोविड सेंटरों में की गई तैनाती। हरियाणा के गुरुग्राम के बाद नोएडा में भी ड्राइव इन वैक्सीनेशन। मॉल की खाली पार्किंग में गाड़ी में बैठे बैठे लगेगा टीका। ब्लैक फंगस के मामले को लेकर सीएम केजरीवाल का बड़ा बयान। का रोकथाम के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगी दिल्ली सरकार। जेपी नड्डा ने हिमाचल के लिए रवाना की चिकित्सा सामग्रियों की खेप। का अस्पतालों को राहत सामग्री मुहैया करा रहे भाजपा कार्यकर्ता। केंद्रीय शिक्षा मंत्री आज राज्य के शिक्षा सचिवों के साथ करेंगे बैठक। CBSE की 12वीं की परीक्षा को लेकर हो सकता है फैसला। आज सुबह विधि विधान के साथ खुल गए केदारनाथ धाम के कपाट। 11 क्विंटल फूलों से सजा मंदिर। पूजा के केवल तीर्थ पुरोहित शामिल। श्रीनगर जिले में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी। दहशतगर्दों को पकड़ने के लिए सेना ने शुरू किया अभियान। गुरुग्राम में 100 बिस्तरों वाला कोविड अस्पताल शुरू करेगी वेदांता। CM मनोहर लाल खट्टर बोले तीसरी लहर से निपटने में मिलेगी मदद। CM खट्टर ने हिसार और पानीपत में किया कोविड अस्पतालों का उद्घाटन। बोले DRDO ने रिकॉर्ड 17 दिनों में किया है अस्पताल का निर्माण। गुजरात के अमरेली के पास महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिएक्टर पैमाने पर 4.5 मापी गई भूकंप की तीव्रता। नोएडा पहुंचे CM योगी ने वैक्सीनेशन सेंटर का लिया जायजा। बैठक कर अधिकारियों को दिए कोरोना से निपटने के नए टिप्स। तीसरी लहर से लड़ने के लिए यूपी के हर जिले में बनेंगे डेडिकेटेड अस्पताल। आज से 23 जिलों में 18 से ज्यादा उम्र के लोगों को लग रही है वैक्सीन। ये मोदी के विरोध वाले पोस्टर पर सियासी घमासान। राहुल बोले आलोचना करने वालों के साथ मुझे भी पुलिस करे गिरफ्तार। अब पार्टी ने ली PM मोदी के विरोध में पोस्टर लगाने की जिम्मेदारी। दुर्गेश पाठक बोले सैकड़ों कार्यकर्ताओं को परेशान कर रही है पुलिस। ट्विटर पर चिदम्बरम और बिहार के मंत्री संजय कुमार झा में भिड़ंत। चिदम्बरम ने बिहार के सरकारी अस्पताल को बताया था बेहद दयनीय। सुखबीर सिंह बादल ने केंद्र सरकार से की मांग। बोले कोरोना से जान गंवाने वालों के परिजनों को मिले आर्थिक सहायता। टीके की कमी के आरोपों पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया पलटवार। बोले दिसंबर तक देश में उपलब्ध होगी वैक्सीन की 200 करोड़ खुराक। इसराइल के हवाई हमलों से गाजा सिटी की 3 और इमारतें नष्ट। रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम 42 लोगों की जान जाने की खबर। इसराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष पर बोले बेंजामिन नेतन्याहू। का सैन्य अभियान पूरी ताकत से रहेगा जारी। हमास चुकाएगा बड़ी कीमत। पंजाब में मलेरकोटला के नाम से नया जिला घोषित होने पर राजनीति तेज। CM योगी बोले मत और मजहब के आधार पर विभेद करना संविधान के खिलाफ। अमरिंदर सिंह ने CM योगी के ट्वीट पर किया पलटवार। बोले सांप्रदायिक बम फोड़ने का प्रयास कर रहे हैं भाजपा के नेता। यूपी के 66 जिलों के रिजर्व पुलिस लाइंस में बने कोरोना देखभाल केंद्र। हल्के लक्षणों वाले पुलिस कर्मियों के लिए की गई क्वारंटीन की व्यवस्था। अधीर रंजन चौधरी ने की गरीबों को हर माह 6,000 रुपए देने की मांग। बोले लॉकडाउन से परेशान लोगों की मदद को आगे आए मोदी सरकार।
दिल्ली और हरियाणा में एक और सप्ताह के लिए बढ़ा गया लॉकडाउन। केजरीवाल बोले संक्रमण को रोकने के लिए जरूरी है पाबंदियां। सीएम स्टालिन ने सर्वदलीय विधायकों की समिति का किया गठन, बोले कोरोना से निपटने के लिए सरकार को सुझाव देगी समिति। जर्मनी और भारत के बीच बहरीन से उड़ानों का संचालन करेगी लुफ्थांसा। यूएई द्वारा स्थानीय उड़ानों पर प्रतिबंध लगाने के बाद लिया फैसला। 15 जून तक श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेगा पुरी का जगन्नाथ मंदिर। ओडिशा में लॉकडाउन लगने के बाद मंदिर प्रशासन ने लिया फैसला। पंजाब सरकार ने 31 मई तक बढ़ाई कोरोना लॉकडाउन की पाबंदियां। अमरिंदर सिंह ने जिला अधिकारियों को दिए भोजन किट उपलब्ध कराने के आदेश। राजस्थान भाजपा प्रभारी अरुण सिंह ने गहलोत सरकार पर साधा निशाना, बोले महामारी से निपटने में अक्षम सरकार कर रही है दोषारोपण की राजनीति। हिमंत बिश्व शर्मा ने गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज का किया निरीक्षण, बोले रात के समय भी ड्यूटी पर तैनात रहेगी वरिष्ठ डॉक्टरों की टीम। सलमान खान ने फिल्म राधे के लीक होने के बाद दी कार्रवाई की चेतावनी, जी इंटरटेनमेंट ने पायरेटेड साइट पर दर्ज कराई FIR। न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट से पहले इंग्लैंड को लगा बड़ा झटका, चोट के चलते स्टार गेंदबाज जोफ्रा आर्चर सीरीज से बाहर। BCCI ने दिसंबर में IPL की दो नई टीमें बढ़ाने का किया ऐलान, 2 महीने बाद निकाला जा सकता है टेंडर, अब 10 टीमें लेंगी हिस्सा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रभात। नमस्कार।